ने बोला, मेरे मम्मी ने बोला तेरे को पहले ही ना बोला था ऐसे सब धंधे नहीं करते, पड़ गया ना किसी लफड़े में। पापा डरते डरते वहां पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने। जब मैं गाड़ी खरीदने गया, जब मैं शोरूम में गया तो आपको पता है जब आप शोरूम में जाते हो किसी गाड़ी के तो ऐसा स्वागत करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो। पता है सर ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, क्या पियोगे क्या नहीं। मेरा मेरी जो गाड़ी में लेके गया था एक्टिवा, उससे दो दिन पहले कुत्ता टकरा गया तो उसका जो पंखा था वो भी लटक रहा था। तो मैं जब शोरूम में गया तो मैंने जाके पूछा कि मैं जब शोरूम में गया तो मेरे को कोई भाव देने नहीं आया वहां पे, क्योंकि उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है। बराबर, तो मैंने जाके रिसेप्शन से पूछा कि उनका भैया गाड़ी लेनी है। बोला सर बोलो क्या काम है। उनका गाड़ी लेनी है। तो बोले एक काम करो वहां सोफे पे बैठ जाओ, आपको अब जब हमारी टीम में कोई नया नया आता है तो हमने बोलते तू डेमो कर इसको कहाँ पता है, राइट। तो वहां पर नया नया एक बंदा आया, बोले सर आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आप क्या बेचते हो। तो बोले गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी लेनी है। बराबर, उसका दूसरा क्वेश्चन था कि सर आपका बजट कितना है, राइट। अब ये जो बजट वाला क्वेश्चन है ना, ये मेरे दिमाग से गया नहीं। उसने सर आपका तक ठीक था, जो बजट था उसको जब मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो पता चला उसका मतलब है आपकी औकात कितनी है, आपकी जेब कितनी है। यस और नो, राइट। सर एक 15,000 का सेल्समैन मुझसे मेरी औकात पूछता है, और ये सवाल मुझसे उस दिन नहीं पूछा गया, ये सवाल मुझसे हर बार पूछा जाता है जब मैं चप्पल खरीदने जाता हूँ, जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ। हर व्यक्ति मुझसे पूछता है सर आपका बजट कितना है। यस और नो, आपसे पूछता है ये सवाल। यही सवाल मुझसे पूछा, ये दिल पे लगा। मैंने बैग में से चेकबुक निकाली, मैंने बोला टॉप मॉडल की कीमत कितनी। बोला 7,00,000 सर। मैं चेक लिखा उसको दे दिया। उसका तीसरा सवाल था सर करते क्या हो। उनका पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पहली गाड़ी खरीदी, राइट। जब डिलीवरी का टाइम आया तब मेरे पापा को घर पे फोन किया कि मम्मी पापा को भेज दो। तो मेरा पापा ऐसे ही नेगेटिव थे मेरे, तो मेरे पापा ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला तेरे को पहले ही ना बोला था ऐसे सब धंधे नहीं करता, पड़ गया ना किसी लफड़े में। पापा डरते डरते वहां पहुंचे। आप यकीन मानना, जब चावी देने का टाइम आया ना, जब उनको हाथ में चावी दी गई, उनकी आंख में आंसू थे, चेहरे पे स्माइल थी, माँ की सुगंध आके बोलता मोदी केयर वसूल हो गया मेरा। कहता हूं कि फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट।